हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस का नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? सबसे हम पहले देखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के होते क्या हैं। तो जैसे कि हम कोई रूल अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पर, अगर वो रूल्स ऐसे होंगे जिससे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को कुछ कुछ चेंज कर देंगे, तो वो मैट्रिक्स कुछ अनदर वे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हम रूल्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उससे वो रूल्स अप्लाई करने से मैट्रिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो 3 ही होते हैं। वो दरअसल 3 हमारे रोज पे अप्लाई हो जाते हैं, वही तीनों सेम कॉलम्स पे भी अप्लाई हो जाते हैं। तो 3 और 3, 3 रो के 3 कॉलम के, जो कि सेम ऑपरेशन होते हैं, इसीलिए उनको कनेक्ट करके हम बोलते हैं देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। लेकिन रियल में देखा जाए तो हमारे पास 3 ही एलिमेंट्री ऑपरेशन है। जैसे कि अब फर्स्ट आता है, हम अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, जो कि है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, यानी कि किन्हीं दो रोज और टू कॉलम्स। हम क्या करते हैं, ये इस वन में एक तरह से दो ऑपरेशंस है, क्योंकि दो रोज, हम यहाँ पर एक रोज के लिए ऑपरेशन है या कॉलम के लिए की बात है, तो दो ऑपरेशन आ जाते हैं। अगर वही ऑपरेशन रो पे लगा देंगे तो रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम उसको बोल देते हैं। अगर वही ऑपरेशन हम कॉलम पे लगा देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हमारे पास फर्स्ट आता है इंटरचेंज ऑफ टू रोज। अब हमें मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, अगर हमें दो रो को इंटरचेंज करना हो, सपोज हमने एक मैट्रिक्स ले ली, फॉर एग्जाम्पल इंटरचेंज ऑफ टू रोज, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसकी रो वन रो थ्री, थ्री रोज मतलब कि फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दे, फर्स्ट की जगह थर्ड वाली ले और थर्ड वाली की जगह फर्स्ट वाली पहुंचा दे, तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज एक ए मैट्रिक्स है जो कि कितने ऑर्डर की है हमारे पास, सपोज 3x3 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3x3 ऑर्डर की है। और इस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, हम अभी ऑपरेशंस बता रहे हैं कि वो मैट्रिक्स पर कैसे अप्लाई होते हैं। जब स्क्वायर मैट्रिक्स का रूल आएगा तब अप्लाई करेंगे, अभी फिलहाल ये जनरली है कि हम ये ऑपरेशंस कब कब लगा सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने लिखा R1 इंटरचेंज R3, तो ये थी हमारी R1 रो, दिस इज R1 रो और दिस इज R3 रो, तो ये थी R1 एंड R3 रो। अगर मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ, मीन्स R1 को R3 से इंटरचेंज कर दो, तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएंगे, हम R3 को इधर ले आएंगे, R1 को उठा के इधर ले आएंगे, तो दिस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू 7 8 9, यानी कि थर्ड रो की जगह अब हमने क्या लिख दी, फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो की जगह हमने थर्ड रो लिख दी, सेकेंड रो पर कोई चेंज नहीं है तो वो एज इट इज, और जहां थर्ड रो थी वहां कौन आ जाएगी, फर्स्ट रो। दिस साइन इज फॉर इंटरचेंजिंग साइन, तो यहां पर आ जाएगी 1 2 3। तो हमने देखा कैसे ये जो हमें मैट्रिक्स दी हुई थी वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई बाय यूजिंग ऑपरेशन इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्योंकि ये रोज पे लगा है। सेम मैनर में हम कैसे लगा सकते थे, इसी को कॉलम पर भी लगा सकते थे। सेम अगर हम करते हैं, सपोज C1 इंटरचेंज C2, मतलब कॉलम वन और कॉलम टू को इंटरचेंज करना चाहते हैं हम, कॉलम वन कॉलम टू सेम मैट्रिक्स में अप्लाई कर रही हूं। अब देखो ये है कॉलम वन, ये है कॉलम टू, दिस इज कॉलम वन, दिस इज कॉलम टू। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो देखो क्या इंपैक्ट पड़ता है इस मैट्रिक्स पर, ये हो जाएगी 2 5 8 and then 1 4 7 3 6 9 एज इट इज, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, C3 विल बी सेम, बस हमने क्या किया C1 की जगह C2 रख दिया, C2 की जगह C1 रख दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि हमने कॉलम पे अप्लाई किया इसलिए कॉलम ऑपरेशन, रो पे अप्लाई किया था तो रो ऑपरेशन।
तो ये जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हुई यही हमारा क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटरचेंजिंग यानी टू रोज और टू कॉलम्स। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड। वैसे तो एक ही है दोनों, वही मैंने अभी बताया, वैसे तो छह प्रॉपर्टीज होती है लेकिन देखा जाए तो तीन ही होती है, तीन रो पे लगती हैं, तीन कॉलम पर लगती हैं, इसीलिए वो सिक्स कहलाती है। तो यहां पर हमारी दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, प्लीज नोट डाउन। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हमारी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। अब हमें क्या करना है, कोई भी स्पेसिफिक हम एक रो ले लेंगे, उसमें हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, बस वो नंबर कैसा नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी रो में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओवरऑल जीरो हो जाएगी। तो जीरो के अलावा हम कोई नंबर लेंगे और इनका यूज अभी कहाँ होने वाला है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले हमें पढ़ना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इसका यूज भी आने वाला है, वो भी डिस्कस करेंगे हम जल्दी। खैर, अभी हमारा सेकेंड ऑपरेशन आता है मल्टीप्लीकेशन। अब हमें देखो मैट्रिक्स पता है क्या होती है, अब उसकी किसी रो में हमें क्या करना है, किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो जनरली अगर हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं आर आई से, राइट, अगर हम किसी रो में मल्टीप्लाई करते किसी कांस्टेंट नंबर के की, तो वो के आर आई हो जाएगा। जैसे कि अगर हम रो वन में या रो टू में मल्टीप्लाई कर दे टू की, तो वो कितना हो जाएगा, बस चेंज किस में होगा, उसकी रो टू में। वो रो टू में सब में क्या हो जाएगी, हर एलिमेंट्स में, रो टू के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में टू की मल्टीपल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते ए, सपोज इस बार टू क्रॉस थ्री ऑर्डर की ले लेते हैं, टू क्रॉस थ्री जो कि है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो ये मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री। अब हम क्या चाह रहे हैं, ऑपरेशन लगाना, सेकेंड ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन, हम चाहते हैं कि रो टू में टू की मल्टीप्लाई कर दी जाए, यानी कि हम अप्लाई करेंगे कौन सा ऑपरेशन, आर टू में हम टू की मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या इंटरचेंज होता है इस वाली मैट्रिसेस में। तो ये मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ओवरऑल फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है तो हम एज इट इज रख देंगे वन टू थ्री, राइट। अब सेकेंड रो में क्या चेंजेस है, उसने बोला बस सेकेंड रो के हर एलिमेंट में आप किसकी मल्टीप्लाई कर दो, टू की, तो देखो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, फोर इंटू टू एट, फाइव इंटू टू विल बी टेन, सिक्स इंटू टू विल बी ट्वेल्व, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। तो यही था सिंपल। नेक्स्ट सिमिलरिटी अगर हम कॉलम पे अप्लाई करते हैं, अब कोई कॉलम ले लेते हैं अगर हम, तो अगर हम उस पर अप्लाई करेंगे, सपोज इसी का कोई कॉलम ले लेते हैं कॉलम नंबर थ्री, तो C3 में हम कैसे अप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज रूट फाइव की, तो हमें अब क्या करना है, उस कॉलम थ्री को इस मैट्रिक्स पे देखो क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर हम कॉलम थ्री पहले देखेंगे, कॉलम थ्री कहां से, कॉलम वन टू थ्री, कॉलम थ्री में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके हर एलिमेंट में हम रूट फाइव की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मैट्रिक्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वन टू थ्री रूट फाइव, क्योंकि देखो ये एज इट इज रहेंगे, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, कहां पर चेंजेस किया हमने, चेंज किया कॉलम थ्री में जिसमें हमने रूट फाइव की मल्टीप्लाई कर दी, तो दैट विल बिकम दिस, सिंपल, राइट। तो हमने ये लगाया सेकेंड ऑपरेशन, बस इसमें हमने क्या करना सीखा, फर्स्ट ऑपरेशन में, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने सीखा था रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। सेकेंड ऑपरेशन में, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सीखा किसी रो में किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करना, किसी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करना या कॉलम में। तो दो प्रॉपर्टीज यहां पर भी फिनिश होती है, तो फोर प्रॉपर्टीज कंप्लीट, प्लीज नोट डाउन। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी द एडिशन टू द एलिमेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। अब हम कोई रो उठाने वाले हैं या फिर कोई कॉलम उठाने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं उसके साथ, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, दूसरी किसी रो के साथ उसको क्या करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, एक रो में किसी एलिमेंट, अभी हमने जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी की थी उसमें क्या था, हम किसी रो में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने वो मल्टीप्लाई तक तो सीख लिया सेकेंड प्रॉपर्टी,
अब हम उसको किसी जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रो आई उसे किसी दूसरे रो में ऐड करने का सोच रहे हैं। तो दैट इज दी थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन विच इज द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। अब इसे हम ऐड कर रहे हैं तो जनरली हम सपोज करो एक रो को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई से। तो हम रो आई में क्या ऐड करने वाले हैं, सुनो, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। अब उसके एलिमेंट्स में दूसरे रो के एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं उस रो में, इस रो में मतलब जिसमें हम चेंज करने वाले हैं उसको हम आगे लिखते हैं। तो रो आई में जनरली भी बताओ, ये जनरली है हमारा नोटेशन, अभी रो वन रो टू एक एग्जांपल लेके करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमें आईएथ रो में चेंज करना है, वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है आईएथ रो, अगर हमें रो आईएथ रो में इंटरचेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, आईएथ रो में ऐड करेंगे किसको, किसी दूसरी रो के एलिमेंट, सपोज वो जेएथ, जे से डिनोट कर देते हैं हम, तो जेएथ रो में हम किसी कॉन्स्टेंट एलिमेंट नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे उस रो में ऐड करने जा रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड ऑपरेशन, क्योंकि मोस्टली यही अप्लाई होने वाला है, ये दोनों का मिक्सअप है जो अभी हमने पढ़ा। कैसे, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जनरली वही वाली 3x3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने बोला किसी रो में, सपोज मुझे रो वन में चेंज करना है, रो वन में मैं क्या चेंजेस करना चाहती हूँ, रो वन में या फिर हम लेते हैं यहाँ पर सपोज मुझे ये रो जीरो बनानी है, यहाँ पर ये फोर को जीरो बनाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इसका यूज होने वाला है अभी, इसलिए मैंने ये चेंज किया। रो टू में चेंज कर रही हूँ मैं चेंज कर रही हूँ रो टू में मैं क्या चेंज करना चाहती हूँ, तो रो टू को लिखो पहले, रो टू जैसे मैंने आर आई जिसमें चेंज करना है पहले तो वो लिखो एज इट इज। तो हमने चेंज करना है किसमें, रो टू में। अब क्या चेंज करना है वो देखते हैं, हम चाहते हैं कि ये टर्म जीरो बन जाए। अब ये टर्म जीरो बन जाएगी अगर हम फर्स्ट रो में इसमें फोर की मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात है, वो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो प्लस माइनस एक ही चीज है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये है, हम चेंज करना चाह रहे हैं रो टू में, हम चाहते हैं यहाँ पर जीरो हो जाए, बाकी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हम बस चाहते हैं ये वाला फोर जीरो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रो वन में फोर की मल्टीप्लाई करके, तो फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसे भी चेंज करना चाहते पहले तो हम वो लिखते हैं जैसा कि मैंने लिखा। अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट रो में किसकी मल्टीप्लाई करके, फोर की मल्टीप्लाई करके। देखो चेंज करना चाहते हैं सेकेंड रो में तो पहले वो दोनों लिख लिया, क्या चेंज करना चाहते हैं इसे जीरो बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में हमने किसकी मल्टीप्लाई करनी है, फोर की, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो टू में से रो वन, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो टू में से रो वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे रो वन में फोर की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो दिस टर्म विल बिकम जीरो। तो देखो क्या चेंजेस होते हैं। अब देखो रो वन रो थ्री एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, तो वो ऐसे ही लिखेंगे हम सिंपली, 1 2 3 दिस इज 7 8 9। चेंजेस किसमें हुए, सेकेंड रो में हुए। क्या चेंजेस हुए, हमने आर टू में से सब्ट्रैक्ट किया रो वन, लेकिन पहले फोर की मल्टीप्लाई किया फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि हम रो वन में भी मल्टीप्लाई कर दें, नो, हमें ये काम खुद करके देखना है, मतलब कि रो में से सब्ट्रैक्ट करना है 4 into row1 का 1। थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, a इज इक्वल्स टू फर्स्ट 1 2 3 विल बी सेम, 7 8 9 आल्सो विल बी सेम, फर्स्ट और थर्ड रो में नो चेंजेस थे, सेकेंड रो में चेंजेस है क्या, सेकेंड रो एज इट इज लिखा है, उसमें से माइनस करना है इसमें 4 की इंटू करके, फर्स्ट रो में 4 की इंटू करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, ठीक है, तो 4 into 1, तो ये आ गया पहला एलिमेंट। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट कैसे निकलेगा, हमें 5 में से माइनस, अब इसमें से भी वही लगेगा, जब हम लगाएंगे इसको जीरो बनाना चाहते हैं ना, हमने आर वन सब्ट्रैक्ट किया तो वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर तीनों पर अप्लाई होगा, हमें दूसरों से मतलब नहीं है वो क्या बनने वाले हैं, हम चाहते थे कि बस 4 0 बन जाए तो हमारा वो काम हो जाएगा।
राइट। तो हमने क्या किया था, वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। हमने इस रो को एज इट इज रखा था, माइनस हमने किया था इस रो में 4 की मल्टीप्लाई करके, तो 4 इंटू टू, हमने 4 इंटू टू किया, तो ये आ गया था सेकेंड एलिमेंट। सेम वे में 3 माइनस, अब देखो इस एलिमेंट को एज इट इज, सॉरी 6 माइनस, इसको एज इट इज रखना है 6 को, और माइनस करना है 4 इंटू 3, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 माइनस 4 इज 0, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। दिस इज 5 माइनस 8, 4 इंटू 2 8, 5 माइनस 8 विल बी माइनस 3, ठीक है। 6 माइनस 12 तो विल बी माइनस 6, और बाकी का, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। तो ये हमारी वो मैट्रिक्स आ गई है ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा ऑपरेशन, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, और जो यूज होने वाला है ये मिक्सअप है एक तरह से, सेकेंड और फर्स्ट दोनों को मिक्सअप करके बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, सेम वे में हम अप्लाई करेंगे, यही चीज होने वाली है कॉलम में भी। कॉलम में अप्लाई करके देखते कैसे करते हैं, सेम इज इन सेम मैनर। तो हम क्या करेंगे, वही सेम सी आई, किसी कोई भी कॉलम उठाएंगे उसमें चेंज करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, और उसमें हम ऐड कर देंगे कोई कॉन्स्टेंट सी जे अनदर कॉलम को। अब ये जो काम हमने रो में किया था अब ये कॉलम में चलेगा। सपोज हम चाहते हैं इस बार कॉलम थ्री में चेंज चाहते हैं। कॉलम थ्री में क्या चेंज चाहते हैं, मैं चाहती हूँ ये जीरो बन जाए, थ्री यहाँ पर थ्री जो है वो जीरो हो जाए। अगर जीरो से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जीरो बनाने के लिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आएगा, हम इसका यूज जहां करेंगे वहां पे हम मोस्टली जीरो ही बनाएंगे, इसलिए मैं जीरो के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ आप लोगों को, होप सो समझ में आ रहा होगा। तो इस बार हम चाह रहे हैं सी थ्री में चेंज करना, हम चाहते हैं कॉलम थ्री, ये है कॉलम थ्री। तो हम कॉलम थ्री में क्या चेंज चाहते हैं, हम कॉलम थ्री में चेंज चाहते हैं कि ये जीरो हो जाए। कॉलम वन में अगर थ्री की मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो करते हैं, तो सी थ्री गोज टू, जिसमें चेंज कर रहे हैं उसको लिखो पहले, हम चेंज करना चाहते हैं कॉलम थ्री, तो कॉलम थ्री गोज टू कॉलम थ्री, कैसे चेंज करना चाहते हैं वो लिखेंगे। हम कॉलम वन में थ्री की मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे कॉलम थ्री में से, तो कॉलम थ्री माइनस थ्री इंटू कॉलम वन। देखो सेम मैनर में किया है हमने इसी तरह से, ओके। तो करके देखते हैं कैसे आता है। हमने क्या किया, सेम मैट्रिक्स में लेकर चल रही हूँ, हम चेंज चाहते कॉलम थ्री में, तो दो कॉलम एज इट इज लिखेंगे हम, ए मैट्रिक्स विल बिकम 1, 4, 7, 2, 5, 8, अब कॉलम थ्री में होने वाला है चेंज, कैसे, 3 माइनस 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, इसमें पहले 3 की मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी 3 इंटू 1। कंपेयर करके देख सकते हो C3 का एलिमेंट एज इट इज माइनस 3 इंटू C1 का पहला एलिमेंट है 1, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हमने ये लगा दिया, सेम इन दोनों के बीच में लगाएंगे, सेम इन दोनों के बीच में लगाएंगे, तो देखो क्या बन जाती है मैट्रिक्स। नेक्स्ट 6 माइनस, तो 6 माइनस 3 इंटू व्हाट, 4, इस पूरे में 3 की मल्टीप्लाई की थी ना, तो 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, राइट। नेक्स्ट 9 माइनस 3 इंटू 7, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो ट्रांसफॉर्मर की मैट्रिक्स है वही हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी। इन दोनों में कोई चेंज नहीं था, ये एज इट इज दोनों मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इज 0, जो कि हमें चाहिए था, हम चाहते थे कि ये टर्म 0 हो जाए। 6 माइनस 12 विल बी माइनस 6, 9 माइनस 21, 9 माइनस 21 कितना होगा, माइनस का 12, राइट। तो ये थी हमारी मैट्रिसेस, सो प्लीज नोट डाउन। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें हमारी टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस फिनिश हो जाते हैं। यही 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे हमारे, क्योंकि 3 रो पर अप्लाई हुए, वही 3 सेम कॉलम पर हमने अप्लाई किए, दैट्स व्हाई दीज आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस।
होप सो आप लोगों को ये तीनों ऑपरेशन समझ में आए होंगे। वैसे हम अभी अप्लाई करना सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इनका हम यूज कैसे करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो अब आता है हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जिसको हम अप्लाई करके देखेंगे। अभी हमने जो ऑपरेशन किए थे वही सब। तो अब आता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब कहलाती है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अब देखो अभी जब मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस कराए थे तो वहां पर ऑर्डर का होना मस्ट नहीं था। बस हमने अभी ऑपरेशंस को अप्लाई करना सीखा कि कैसे। फर्स्ट ऑपरेशन था रो एंड कॉलम इंटरचेंज। सेकेंड ऑपरेशन था हमारा किसी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई। थर्ड हमने ऑपरेशन जो पढ़ा वो था हमारा कि हम किसी रो को किसी दूसरी रो में कुछ नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके कैसे ऐड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, सेम इज इन कॉलम। अब हम देखते हैं यहाँ पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मस्ट है मैट्रिक्स का स्क्वायर होना। स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा नहीं है, नंबर मतलब मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मस्ट है यहाँ पर मैट्रिक्स। अगर एक ए मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। दिस मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स सपोज हमने ले ली एम क्रॉस एम ऑर्डर की, तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी अगर ये ए मैट्रिक्स को हम इन्वर्टेबल बोल देंगे। अब ये स्क्वायर तो हमने ले ली, अब हम इसको इन्वर्टेबल बोलेंगे यदि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर की है, मतलब स्क्वायर भी है और सेम ऑर्डर की है, और हमारे पास क्या दे दे, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें ए बी इज इक्वल टू आई या जेड। मतलब दो डिफर मैट्रिक्स थी, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, सेम ऑर्डर की ही आएगी ऑफ कोर्स। या फिर हम बी ए करते हैं तो भी आई आ जाए, ए बी एंड बी ए। अगर ए बी आई आएगा तो बी ए भी आई आएगा क्योंकि सेम ऑर्डर है। अब हमारे पास ए बी, अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए आई, तो हम क्या करते हैं ऐसी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी हो जाती है? इन्वर्टेबल हो जाती है। और हम इस बी को क्या बोल देते हैं? इनवर्स ऑफ ए। दिस बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए का इनवर्स कौन हो जाता है? खुद ये बी मैट्रिक्स हो जाती है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाता है हमारे पास? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास ये कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर पहले ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल, कंफ्यूजन ना हो जिससे। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ मैं टू, ये मैट्रिक्स ले ली, दिस इज ए मैट्रिक्स। एक बी मैट्रिक्स ले लेती हूँ, लॉजिक मैं बताऊंगी अभी ये कैसे आई आया। ऐसा हरेक में नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया। यहाँ पर मेरा अभी कुछ बनता है वो मैं आपको लॉजिक बाद में सिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे कंसीडर कर ली मैट्रिक्स। ये ले ली मैंने एक बी मैट्रिक्स, ओके। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ए बी, तो करके देखते हैं टू वन वन वन, वन टू माइनस वन। तो हम इनको प्रोडक्ट करके देखते हैं रो बाय कॉलम, देखो क्या आएगा, टू माइनस वन दैट विल बी वन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, टू माइनस वन विल बी वन, माइनस टू प्लस टू विल बी जीरो। वन माइनस वन, वन और माइनस वन एड होगी क्या देंगे जीरो, माइनस वन एंड टू। अब देखो माइनस वन प्लस टू विल बी वन। तो देखो विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सिमिलरली वी कैन फाइंड बी ए ऑल्सो, बी ए, बी ए विल बी वन माइनस वन माइनस वन टू एंड ए विल बी टू वन वन वन। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है रो बाय कॉलम, दिस विल बी टू
माइनस वन अगेन वन, वन माइनस वन विल बी जीरो, माइनस टू प्लस टू विल बी जीरो, माइनस वन प्लस टू विल बी वन, अगेन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने यहां से देखा ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए। तो हमने यहाँ पर अब क्या बोल दिया, क्योंकि यही रिजल्ट हमारा यही वाला सेम प्रूफ हुआ है, जो कि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स थी, टू क्रॉस टू, टू क्रॉस टू, सेम ऑर्डर की, ऑर्डर भी सेम था, और जो आएगी वो भी उसी ऑर्डर की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारी ये वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती, मैट्रिक्स स्क्वायर भी थी, दोनों का प्रोडक्ट करके हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। ए बी किया तो भी आइडेंटिटी, बी ए किया तो भी आइडेंटिटी। अब इसलिए हमने इस ए मैट्रिक्स को, ये जो ए मैट्रिक्स थी, हमने इस मैट्रिक्स को बोल दिया इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टेबल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और दिस इज इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, बी इज द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। तो ये था हमारा मेन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए को इन्वर्टेबल बोलते क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो इन्वर्स होता भी कौन है, वो खुद बी ही होता है, जिसकी मल्टीप्लाई से ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन जाता है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। तो हमने पढ़ा अभी कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है, उसका इन्वर्स कौन होता है। अब देखो, मैंने बताया था उसके लिए मस्ट है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, और दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो क्या उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, क्या वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर, अभी जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, अगर सपोज करो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×3 है और बी का 3×1 है, सपोज एक मैट्रिक्स ऐसी है, दोनों रेक्टेंगुलर टाइप ले ली मैंने। अब देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ए भी निकल जाएगा, ठीक है, ए भी निकल जाएगा, क्या सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी हमें? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स आने वाली है ए बी मैट्रिक्स, वो कैसी होगी, 2×1 की होगी। अब क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका ऑर्डर 3×1, इसका ऑर्डर 2×3, तो मिड वाली टर्म मैच नहीं करती। तो ए भी निकल रहा है लेकिन बी ए नहीं निकल रहा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होगी। उसके लिए हमारा मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, और साथ में जो उसका इन्वर्स है वो भी उसी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर नहीं होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पजेस इट्स इन्वर्स, मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेड। तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टेबल नहीं हो सकती, इज नॉट इन्वर्टेबल, क्योंकि ए भी पॉसिबल है कि निकाल लिया लेकिन बी ए नहीं निकलता मोस्टली, और निकल भी जाता है तो उनका ऑर्डर सेम नहीं आता, जो कि हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए विद सेम ऑर्डर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। सेकेंड हमारे पास आता है, अभी हमने बोला था ए बी इज इक्वल टू आई, तो हमने देखा था यहाँ पर ए के बारे में कि ए का ए इन्वर्टेबल हुई और बी उसका इन्वर्स हुआ, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ए का इन्वर्स बी, ए के ऊपर इन्वर्स लगाया, माइनस वन लगाया ए की पावर, यानी कि ए का इन्वर्स कौन है, बी। और ऐसा नहीं होता, हमने तो इनको नेम दे रखे ए बी बी ए, तो अगर हम बी का इन्वर्स निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज होती है, अगर ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स भी कौन है, ए है। दैट इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ए बी इज इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए आता है हमारे पास, तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि ए का इन्वर्स बी है। अगर हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका इन्वर्स ऑफकोर्स हम बी ही निकालेंगे, लेकिन अगर हमें बी मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका इन्वर्स कौन होगा, उसका इन्वर्स ए होगा। वही चीज है, रिवर्स लिखी हुई है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये भी सेकेंड पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ए एंड बी दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी यूनिकनेस। अब थ्योरम के फॉर्म में दिया होगा आपकी क्लास में, नोटबुक पे दिया हुआ है एक्सरसाइज में, नंबर फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1,
क्या कहती है थ्योरम नंबर वन? थ्योरम नंबर वन है कि ये जो अभी हमने देखा ए का इनवर्स भी बी का इनवर्स है, क्या ऐसा कोई अनदर इनवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर ए? एक मैट्रिक्स हम ए लेकर चले, अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था ए मैट्रिक्स का जो कि था 2 1 1 1, अब बी उसका इनवर्स निकला था, हमने उन दोनों को प्रोडक्ट किया था, हमारे पास बी मैट्रिक्स ये थी राइट। तो हमने देखा ए बी आई आ गया था और बी ए भी आई आ गया था, तो हमने बोला ए का इनवर्स बी है राइट। और यहां से हम ये भी बोल सकते हैं इसका इनवर्स ए है, बी का इनवर्स ए है, तो हमने ये तो सीख लिया ठीक है। अब हम कहते हैं कि इनवर्स हमेशा, थ्योरम नंबर वन कहते हैं इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, मतलब हम कोई और मैट्रिक्स ए के साथ ये बी की ही मल्टीप्लाई आई देगी, कोई अनदर मैट्रिक्स सी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देगी, तो बी इज ऑल्सो यूनिक, तो दिस इज कॉल्ड यूनिकनेस, तो दिस विल बी यूनिक इनवर्स, देयर विल बी यूनिक इनवर्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, उसके अलावा और कोई उसका इनवर्स नहीं हो सकता। अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया था, अगर मैं इसकी किसी और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना चाहूं तो ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिस इज द ओनली मैट्रिक्स। तो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकल जाता है तो वो यूनिक होता है, मतलब कि वो एक ही इकलौता ऐसा होता है कि और कोई उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना सकता। नेक्स्ट आती है थ्योरम नंबर टू जो कि कहती है, थ्योरम नंबर टू इज अगर ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है बी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ऑफकोर्स स्क्वायर तो रही होंगी, अभी मैंने पढ़ाया है यहां पर कि ए भी इन्वर्टेबल है बी भी इन्वर्टेबल है, दोनों ही मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर का ही इनवर्स निकल सकता है, तो ए भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, नंबर फर्स्ट ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, एंड बी इज ऑल्सो, एंड बी इज ऑल्सो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स राइट। ए भी इन्वर्टेबल है बी भी इन्वर्टेबल है, तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, तो दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स, मतलब दोनों को हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो जो नई मैट्रिक्स है कि उसका नई मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए बी इनवर्स मतलब अगर ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स थी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी भी इन्वर्टेबल थी तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है राइट। और ए के ऊपर माइनस बी के ऊपर माइनस वन लगा के हम क्या दिखाते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। अब हमारी थ्योरम नंबर थर्ड कहती है अगर ये दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हैं तो उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करके नई मैट्रिक्स आएगी, हम ये नहीं बोल रहे कि इसका इनवर्स ये है, नहीं हम कोई दो अलग अलग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और वो दोनों इन्वर्टेबल है, दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है राइट, कोई अनदर होगा हमें नहीं पता यहाँ पर, हमें दो अलग अलग मैट्रिक्स ले रहे हैं, दोनों ही इन्वर्टेबल है मतलब दोनों के ही इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका इनवर्स हमेशा किसके इक्वल आएगा, बी का जो इनवर्स था पहले उसकी मल्टीप्लाई, फिर दैट ए के इनवर्स की मल्टीप्लाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे कि हमने ये पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में, हमने क्या पढ़ा था मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज के बारे में, ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, सिमिलरली सेम वे में ए बी का प्रोडक्ट का इनवर्स हमेशा क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि 1 मार्क क्वेश्चंस में यूज होता है, सो प्लीज नोट डाउन।